नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से सांसद बने कंगना रनौत को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर पर एक्शन लिया गया है। सीआईएसएफ ने कुलविंदर कौर का तबादला कर दिया है। कुलविंदर को चंडीगढ़ से हटाकर बेंगलुरु भेज दिया गया है। इस थप्पड़ कांड के बाद कौर को शुरू में निलंबित कर दिया गया था, हालांकि उन्हें बाद में बहाल कर दिया गया और अब उनकी तैनाती बेंगलुरु में की गई है। कुलविंदर कौर ने पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान पंजाबी महिलाओं के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी का हवाला देते हुए कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का कारण बताया। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल ने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज। पंजाब में आतंक और हिंसा में चौंकाने वाली वृद्धि शीर्षक वाले एक वीडियो में उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में बताया था। इसके साथ ही पंजाब में बढ़ते आतंकवाद पर अपनी चिंता भी व्यक्त की थी। दिल्ली पहुंचने के बाद बयान जारी करते हुए रनौत ने घटना को याद करते हुए कहा था कि कांस्टेबल उनके पास आई और उनके चेहरे पर वार किया और गाली देना शुरू कर दिया। रनौत ने जब इसका कारण पूछा तो कौर ने कथित तौर पर कहा कि वह किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती हैं। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी की रहने वाली कांस्टेबल कुलविंदर कौर पिछले 2 साल से चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर तैनात थी। वह सीआईएसएफ के एक अन्य जवान से विवाहित हैं और उनके 2 बच्चे हैं। उनके भाई शेर सिंह किसान मजदूर संघर्ष समिति के संगठन सचिव के पद पर आसीन एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जो पंजाब में कृषि समुदाय से परिवार के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। कुलविंदर कौर ने बाद में बताया था कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान रनौत द्वारा पंजाबी महिलाओं के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी से उन्हें उकसाया गया था। इसी बात से आहत होकर उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो बता रही थी कि उसने कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मारा। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।